जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। आज मैं आ रही हूँ अपने खेत में। यहाँ पर हमने अरवी लगाई हुई है, तो पहले मैं आपको अरवी दिखा देती हूँ कि हमारी अरवी किस तरह हो रखी है, और फिर मैं यहाँ पर मेरी सासू माँ मैं हम दोनों आ रखे हैं, तो इनकी गुड़ाई करनी हमने, तो पहले अरवी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर है अरवी हमारी बोई हुई, ये खेत है हमारा। इधर थोड़ा सा इधर मिर्ची लगा रखी है, जो कि इस साल मिर्ची की फसल अच्छी नहीं हो रखी है, तो ये है मिर्ची। थोड़े से पौधे हैं, छोटे छोटे मिर्ची के पौधे हैं, इस तरह ये देख सकते हैं आप लोग। इन पर अभी आई भी नहीं है मिर्ची, नहीं आ रखी है, क्योंकि बंदर जो है बहुत नुकसान कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर ये दोबारा अंकुर लेती है मिर्ची, तो इस तरह कैसे हो जाएगी देख सकते हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को कितने बार बंदर दिखा दिए हैं कि कितना परेशान कर रहे हैं। और ये हैं भिंडी के, और ये भिंडी हमने तोड़ के खा लिया, इनकी सब्जियां कुछ कुछ अभी और आ रही हैं। ये हैं दो चार भिंडी के पौधे, ये आ रखा भिंडी का फूल, देखो कितना सुंदर फूल आ रखा है। और यहाँ पर है ये अरवी, जिसे कि हम उत्तराखंड की भाषा में इन्हें पिनाव बोलते हैं। और देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, मैं कितने बार आप लोगों को वीडियो में दिखा चुकी हूँ ये। और इन पत्तों को बोलते हैं पापड़ा पतेल, तो इनकी हम सब्ज़ी भी बनाते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये रेसिपी सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को ज़रूर ये सब्ज़ी किस तरह बनाती हूँ वो दिखाऊँगी। तो देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, कैमरा में आ भी नहीं रहे पत्ते। तो यहाँ पर है मेरी सासू जी, यहाँ पे ये दीवाल है यहाँ से। तो हम यहाँ पे गांव में कच्ची ज़मीन होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को मैंने रोडें भी दिखाई हैं, रास्ते भी दिखाए हैं, तो इस तरह ये पूरी दीवाल यहाँ ऊपर से ये नीचे हमारे खेत में आ गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी अरवियाँ इसके नीचे दब गई हैं हमारी, तो बारिश की वजह से सारी दीवाल यहाँ पर टूट गई है, तो इसकी हम गुड़ाई करेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा और कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ इधर। और यहाँ पे है अमरूद का पेड़, और ये अमरूद जो इस पर लगे हैं ये तो सब बंदर ही खाते हैं, हमारे काम तो आते नहीं है, क्योंकि बंदर खा जाते हैं सारे। और ये है आड़ू का पेड़, ये है पहाड़ी आड़ू, इस पर छोटे छोटे आड़ू लगते हैं, ये भी बंदरों ही तोड़ा होगा, पेड़ तोड़ दिया है। ये है चौलाई का, चौलाई के भी हैं पौधे यहाँ पे। और इधर है अखरोट का पेड़ बहुत बड़ा, ये इस पर अखरोट आए थे बहुत सारे, जब छोटे छोटे थे अखरोट तभी से वो खाना शुरू कर दिए, जब मैं गांव आई थी तब भी इस पर थे वो सारे अखरोट, उन्होंने खा लिए, हमने तो एक अखरोट भी नहीं खाया। और ये है इधर बिच्छू घास, ये पूरे गांव में फैली होती है चारों तरफ और सभी गाँव में होती है। उत्तराखंड की भाषा में इसे हम शिशौण बोलते हैं, इसकी अब चाय भी बनने लग गई है, जिसे ग्रीन टी के रूप में बोल सकते हैं, और इसमें और चीज़ें में ऐड करते हैं, तो ये बहुत महंगी बिक रही है, अमेजोन पे मिल रही है ऐसा मैंने सुना था, मैंने तो नहीं मंगाई। 3000 रुपये के जी ये इसकी चाय मिल रही है शिशौण की। और ये है बाँस का पेड़, यहाँ पर मेरी सासू माँ ने लगाया है, हमारे इधर इस इलाके में ये बाँस के पेड़ बहुत कम होते हैं, अभी छोटा सा है। और ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, तो यहाँ पर अब लगा दिया है धीरे धीरे करके, और भी बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं लोगों ने। तो ये है बांस का पेड़, और इसका नाम अगर आप लोगों को हिंदी में पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे इसका हिंदी नाम नहीं मालूम। और ये है बुरसी का, यह है बुरसी का पौधा, ये मेरे सासू माँ ने लगा रखा है, कहीं से लाए होंगे ऊपर पहाड़ी की चोटी से, जहाँ मानीला का मैंने वीडियो बना रखा है वहाँ पर ये बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे दो तीन पेड़ लगे हुए हैं, एक ये है, एक ये रहा छोटा सा, और एक यहाँ पे इतना बड़ा ये हो गया। ये लकड़ियों से अभी इस पर बाड़ कर रखी है, ताकि ये बंदर इसे तोड़े ना, और बचा के रखा है अभी तक फ़िलहाल। तो ये है हमारे खेत के आसपास का एरिया, ये हमारे घर के पास ही ये वाला खेत है। और यहाँ पर केले का पेड़ लगा रखा है, यहाँ इस जगह पर, जो ये जगह है जहाँ पर अभी खाद रखी हुई है, इस जगह पर हमारा केले के बहुत सारे पेड़ थे, वो बंदरों ने तोड़ दिया,
सारे खेत, पूरे केले जो है सब बर्बाद कर दिए थे, तो सब वो ख़त्म हो गया। दूसरा पेड़ लगा दिया है, और ये है नींबू का, बड़े बड़े नींबू लगते हैं, और कहीं कहीं पर उनको गलगल बोलते हैं, तो वही वाले नींबू हैं। हमारे यहाँ पर उन नींबू को नमक मिर्च, मतलब पूरे नींबू को अच्छे से छील के उसके छोटे छोटे पीस करते हैं अंदर वाले हिस्से का, फिर उसे नमक मिर्च मिला के उसको सान के खाते हैं। उसमें दही, मीठा, खट्टा मीठा इस तरह का बनाते हैं, दही भी डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं, खट्टा मीठा बना के बहुत टेस्टी बनता है वो। तो अब हम करते हैं अरवी की गुड़ाई, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम किस तरह गुड़ाई करते हैं, और अपने सासू माँ से मैं पूछूँगी कि इसको गोड़ने का क्या फ़ायदा है, फिर वो बताएँगे। और इधर देखो, मेरी सासू माँ ने नीचे नीचे पत्ते तोड़ दिए हैं, और मैं पूछती हूँ कि ये पत्ते क्यों काटे, और अब हम गुड़ाई करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा वो बताएंगे। देखो, गोड़ूंगी हम, तब गोड़ कर या गोड़ दे शव है, शव शव तब गोड़ में आयल पतील काट दे भल भल शव है, तब लम लम जाए जब न्यू गोड़ू ला शव असर है झुमड़ा जाए, तब गोड़ मुन को हम तीन चार पाँच छः जरा गोड़ लिए आल है सात जरा गोड़ हूँ आर हो ये भी राई हूँ गोड़ हूँ खूब तो आल उजेर भर में उजेर भर में तो इन बात शव है। तो मेरी सासू माँ बता रहे हैं कि मैंने 6 बार इनको पहले गुड़ाई कर दिए, आज है 7वीं बार, और इसके बाद अब नहीं करेंगे। तो इसको गुड़ाई करने का फ़ायदा यह है कि जो नीचे अरबी आएगी, अरबी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कहाँ पर आती हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है अरबी का पौधा, ये पेड़ या पौधा जो भी बोलें, इसका पौधा ही बोलेंगे। ये ऊपर इतना बड़ा हो गया ऊपर को, तो जो अरबी आती है इसके नीचे आती है यहाँ पर, यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी भर देंगे ऊपर तक, यहाँ तक इस पर मिट्टी लगा देंगे ऐसे। तब जो ये नीचे वाले एरिया में है, इसमें अरवी आएगी, और उसे पहाड़ी भाषा में पिनाव बोलते हैं, और जो लंबे लंबे होते हैं उनको बोलते हैं पिनाव, पिनाव शव, और जो गोल गोल आएगा उसे बोलते हैं गढ़ेरी। तो वो इस पर बहुत अच्छे से आएंगे। तो अभी घास तो कुछ भी नहीं है ज़मीन में, बस ये है कि इसको यहाँ तक मिट्टी से भर देना है, ताकि इसमें अच्छी सी अरबी आएंगी, बड़ी बड़ी अरबियाँ लगेंगी। और जो गांव की अरबी होती है, पिना होते हैं मतलब, उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। तो चलो आप गुड़ाई करके दिखाते हैं। तो ये है हमारा गुड़ाई करने का यंत्र, इसे हम पहाड़ी भाषा में कुटाव बोलते हैं, और हिंदी में इसे कुदाल बोलते हैं। तो मेरी सासू माँ यहाँ पर गोड़ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे गोड़ना है। ये देखो, इस तरह अरबी के पेड़ को पूरा ऊपर तक इसमें मिट्टी भर देनी है, बाकी झाड़ घास कुछ भी नहीं है ऐसे। तो इसी तरह हम जितनी भी सारी अरवियाँ हैं सभी को इसी तरह आधे तक मिट्टी भर देंगे। और मैं भी दिखाती हूँ आपको, ये मैं, ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं भी करूँगी, मैं सासू माँ की वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अभी मैंने कैमरा पकड़ रखा है, अब मैं भी करती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखो मैं कर रही हूँ गुड़ाई, इस तरह करना है, इस पर ऐसे भर देना है इसको पूरा मिट्टी को खोद के, ऐसे भर देना है। सारी अरबी जितनी भी है हम सब इसी तरह गुड़ाई करेंगे इस पर। पतील लगाने तुम बुलाओ ना। तो इस तरह मैं गुड़ाई कर रही हूँ, पूरा खेत में हम इसी तरह करेंगे। एक और खेत हमारा, वहाँ पर भी हमने ऐसी गुड़ाई करनी है, ऐसे हाथ से मिट्टी को चारों तरफ से पूरा ऐसा भर देना है ऐसे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने इस अरवी के खेत की गुड़ाई कर दी है, और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को खेत दिखाया था तो किस तरह था। अब हमने इन अरबी के पेड़ों पर इस तरह मिट्टी लगा दी है ऊंची ऊंची, आप देखें। और इनके पत्ते देखो मेरी सासू माँ ने कैसे काट के फेंक दिए, ये देखो। और शहरों में ये बिल्कुल इतने घटिया क्वालिटी के, कितने बासी वो पत्ते आते हैं अरबी के, जिन्हें हम लोग खरीदते हैं जो भी शहरों में रहते हैं। ये देखो, इतना ढेर सारे पत्ते काट दिए मेरी सासू माँ ने, और मैंने पूछा उनको कि वो आप इनको क्यों काट रहे हैं, इन पत्तों को इस तरह क्यों काट के फेंक रहे हैं। तो
तो बता रहे हैं कि अगर ये पत्ते रहेंगे तो सारी खाद इन पत्तों पे ही लगेगी, और जो अरबी हैं यानी कि पिनाव जिन्हें हम बोलते हैं वो अच्छे से उन पे मोटे नहीं होंगे। तो इस तरह इन्होंने सारे पत्ते पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक देखो सारे काट दिए हैं। अरबी के एक पेड़ पर एक और दो ही पत्ते बचा रखे हैं। और इधर मैंने मिर्च आप लोगों को दिखाई थी और उस समय इसमें घास थी तो ये घास निकाल दी है। तो इधर हमने करी गुड़ाई और इधर कर दी निराई। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा गुड़ाई और निराई का मतलब क्या होता है। गुड़ाई का मतलब होता है जिसे कुदाल से खोद के जिसके घास निकाल दी जाती है और उन पेड़ों को मिट्टी से सहारा दिया जाता है। और निराई का मतलब होता है यह घास को निकालना, जैसे कि मेरी सासू माँ निकाल रहे और इतना सारा निकाल दिया, मैंने भी निकाला था साथ में, और मैं वीडियो दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह हम निकालते हैं, इसे बोलते हैं निराई। तो हमारे और खेत भी हैं मिर्ची के। जब मैं दिल्ली से आ रही थी, फर्स्ट ब्लॉग मेरा उत्तराखंड का था, मैंने वो खेत आप लोगों को दिखाया था, तो उस खेत में मिर्ची है तो उसकी निराई हमने कर दी है। तो इस तरह घास निकालते हैं, ऐसे सारी घास निकाल के। तो इस घास को निकालने का फ़ायदा ये होता है, जो ये मिर्च होती है, मिर्च नाजुक चीज़ होती है, ये पौधे अगर इनके आसपास घास होती है तो ये मिर्च के पत्ते जो हैं झड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह इनकी निराई की जाती है। तो ये इतना सा ये रह गया पूरा, इसी तरह पूरे इस खेत में घास थी तो सारे हमने निकाल दिए। अब इसमें मिर्च के पौधे और दो चार भिंडी के पौधे हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाई, वही बचे हैं। अब सारी घास हमने निकाल दी है। और इधर है हमारी हल्दी, ये देखो ये हल्दी का खेत है, कितनी अच्छी हल्दी हो रखी है, देखो हरा भरा खेत। एक मिर्च का पौधा यहाँ पर भी है और इस पर तो शायद ही मिर्च आएगी, क्योंकि मिर्च को जो है खुली जगह चाहिए, उसके आसपास अगर पौधे नहीं होते किसी और चीज़ के तो वो मिर्च उस पर अच्छी आती है। ये देखो हल्दी, मेरे से भी ऊंची हल्दी हो गई है, मैं थोड़ा आगे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो बहुत अच्छी हो रखी है, देखो कितने अच्छे पत्ते, देखो आप लोग। और ये देखो हल्दी, और हल्दी के पौधों की और मेरी हाइट बराबर है। ये देखो कितनी सुंदर हल्दी हो रखी है, और पूरा हल्दी का खेत है हमारा। ये देखो इतना सुंदर नज़ारा सही में कहीं नहीं मिलेगा हमारे उत्तराखंड में, कितना सुंदर नज़ारा। ये देखो मैं देख देख के चल रही हूँ कि हल्दी का पौधा जो है मेरे से टूट ना जाए, और कैमरा भी मेरे साथ, शायद मेरे से कैमरा हिल रहा है। और ये है जक्खी का, इसके पी हल्दी के बीच में जक्खिया का पौधा है, ये इसे मैं उखाड़ देती हूँ क्योंकि ये जक्खिया जो है पक गया है, अब मैं इसे उखड़ ही नहीं पा रहा, मैं लेफ्ट हाथ से इसे उखाड़ रही हूँ। ये देखो ये है जक्खिया, हम इसे सब्जी में इसका तड़का लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा थोड़े थोड़े बीज इसके देखो इस तरह की इसकी फली आती है, देखो ये ना ये सूख गई है, कोई कोई हरी है। अब इसे धूप में रख देंगे तो ये फलियाँ भी सूख के फिर इसके काले कलर में बीज होते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता है तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ। तो ये है जक्खिया का पौधा, और मुझे अभी नज़र आ गया तो मैं निकाल दिया मैंने, क्योंकि मैं अंदर घुस रखी हूँ, यहाँ पर मेरी सासू माँ नहीं आएंगे तो उनको नहीं दिखेगा। तो जक्खिया का पौधा मैंने निकाल दिया है और मैं ध्यान से चल रही हूँ। आप लोग देखो नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो, और पता नहीं इसमें से भी घास मैं निकालूँ से घास, अच्छा मेरी सासू माँ बोल रहे हैं कि इसमें भी घास है, थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, उसे भी हम निकाल रहे हैं। तो पहले मैं घास निकाल लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये देखो मेरा गाँव वाला रूप, पता नहीं है कि चुन्नी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। तो मैं जक्खिया का पौधा रख देती हूँ इधर, हल्दी के खेत में से भी निकाल लेती हूँ घास, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि घास निकालने के बाद ये देखो ये है ना, इसे बोलते हैं निराई। इसमें थोड़ी थोड़ी घास है, ज़्यादा नहीं है, छोटी 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 आपको दिख रही होगी, ये घास नहीं दिख पा रही है क्योंकि हल्दी बहुत बड़ी हो रही है। तो मैं घास निकालती हूँ।